पिछले वीडियो में हमने क्लास एवीज के प्रमुख लक्षणों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम क्लास एवीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी क्लास एवीज को आगे कितने हिस्सों में, कितने टैक्सन में बांटा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय जान लेना जरूरी होगा कि इस क्लास में लगभग 10,000 जीवित जातियां पाई जाती हैं। ये बहुत छोटी से लेकर बड़ी हो सकती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बहुत छोटी बी हमिंग बर्ड लगभग 2 ग्राम की होती है और इसके मुकाबले शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच 130 से 150 किलोग्राम तक हो सकते हैं। इन बी हमिंग बर्ड्स में मेल तो 2 ग्राम से भी कम होते हैं, और जबकि मादा या फीमेल का वजन 2.6 ग्राम और नर का 1.96 यानी 1.96 ग्राम तक हो सकता है। लगभग 800 पक्षियों की जातियां जीवाश्मों के माध्यम से वर्णन किया गया है उनका, जिसमें कि आर्कियोप्टेरिक्स भी एक जाति है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स के बाद लगभग 16,34,000 जातियां अब तक हुई, जिनमें से कोई आधा प्रतिशत ही अब तक बची हुई है। इनमें से बहुत सारी विलुप्त हो चुकी हैं या एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनमें आर्कियोप्टेरिक्स भी एक है। इसके अलावा बहुत सारी जातियां प्रकृति के कारण नहीं बल्कि मानव के व्यवधान के कारण या मानव के हस्तक्षेप के कारण नष्ट हुई हैं, और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक लगभग 130 पक्षियों की जातियां मानव के हस्तक्षेप के कारण समाप्त हुई हैं। पक्षियों का उद्विकास आज से लगभग 150 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। आप जानते होंगे कि 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं। इसका आशय है कि पक्षियों का उद्भव या उद्विकास आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। लिनियस ने पक्षियों को द्विपाद वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा, जो पंखों से युक्त होते हैं और जिनमें विंग पावर्ड फ्लाइट होती है। बाइपीडल का आशय है 2 पांवों पर चलने वाले। वार्म ब्लडेड जीवों का आशय है जिनमें अशुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है, और कई ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण वे अपने शरीर का तापमान संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों में एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है वो है पंख, और विंग पावर्ड फ्लाइट यानी डैने फड़फड़ाकर या पंख फड़फड़ाकर उड़ने की क्षमता इनमें पाई जाती है। फ्लाइट और ग्लाइडिंग, इन दोनों को वैज्ञानिकों ने अलग अलग देखा है। जो जीव अपने पंख फड़फड़ाकर सप्रयास जमीन से उठकर ऊपर उड़ सकते हैं उस को फ्लाइट कहा जाता है, लेकिन अगर कोई ऊंचाई से नीचे आए और आते समय अपने पंख फैलाकर उतरने का कार्य धीरे धीरे करे तो वो ग्लाइडिंग कहलाता है। सिर्फ फ्लाइट शो में ही नहीं पाई जाती, उद्विकास के दौरान 4 अलग अलग समूहों में उड़ान विकसित हुई है। इनमें एक है इंसेक्ट्स या कीट, दूसरे हैं टेरोडेक्टाइल्स या टेरोसोर्स जो एक तरह के उड़ने वाले डायनासोर्स थे, इसके अलावा पक्षी, और मैमल्स में बैट। इसका आशय ये हुआ कि ये जो लिनियस के 4 करेक्टर्स हैं, बाइपीडल, वार्म ब्लडेड और फेदर्स और विंग पावर्ड फ्लाइट, इनमें से सिर्फ एक ही लक्षण ऐसा है जो अकेले पक्षियों की विशेषता मानी जाती थी, वो है पंखों की उपस्थिति या फेदर्स का पाया जाना। लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी क्यों कहा गया जबकि उसके कई लक्षण रेप्टाइल्स या डायनासोर से मिलते हुए हैं? उसके पीछे भी यही कारण था कि मायर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्कियोप्टेरिक्स इसलिए पक्षी है क्योंकि उसमें पंख पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स और उस जैसे अनेक जीव आधुनिक चिड़ियाओं से बहुत अलग हैं। इसके अलावा वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिकों की परेशानियां तब और बढ़ गईं जब चीन में 1996 में एक ऐसा जीवाश्म मिला जो मूलतः सभी लक्षण डायनासोर्स या रेप्टाइल्स के रखता था, लेकिन उसमें भी आर्कियोप्टेरिक्स या आधुनिक चिड़ियाओं जैसे पंख पाए जाते थे। इसे चीन में पाए जाने के कारण साइनो प्रीफिक्स से साइनोसोरोप्टेरिक्स नाम दिया गया। यहाँ समस्या हमारी ये है कि अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षियों में वर्गीकृत करते हैं तो पूरा समूह काफी विषम हो जाता है, और चूंकि आर्कियोप्टेरिक्स के अनेक लक्षण दूसरे डायनासोर से मिलते हैं
तो उन्हें बाहर रखना ठीक नहीं लगता। और अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स को डायनासोर्स के साथ रखते हैं, पक्षियों से अलग कर देते हैं, तो पक्षियों जैसे लक्षण वाले आर्कियोप्टेरिक्स को डायनासोर के साथ रखने में दूसरी परेशानियां देखने को मिलती। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पक्षी खुद एक तरह के रेप्टाइल्स ही हैं, और इसीलिए थॉमस हक्सले ने पक्षियों के लिए कहा कि वो एक तरह के ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स हैं। इनमें ऐसे क्या लक्षण हैं जो रेप्टाइल्स के नज़दीक हैं, या ऐसा वैज्ञानिकों का क्यों दृढ़ विश्वास रहा कि पक्षियों का उद्भव रेप्टाइल से हुआ है, उसके पीछे कारण जानते हैं। सबसे पहली बात तो है कि पक्षियों का लोअर जॉ या निचला जबड़ा अन्य रेप्टाइल्स की तरह से कई अस्थियों के समेकन या फ्यूजन से बना हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि मैमल्स में लोअर जॉ में सिर्फ एक अस्थि पाई जाती है, डेंटरी। इसके साथ ही मैमल्स में जहाँ तीन अस्थियाँ अंतःकरण में पाई जाती हैं, वहाँ पक्षियों में रेप्टाइल्स की तरह से सिर्फ एक अस्थि पाई जाती है। पक्षियों और रेप्टाइल्स दोनों में सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से पहली कशेरुका, जिसे हम एटलस कहते हैं, जुड़ी रहती है, जबकि स्तनियों में या मैमल्स में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की संख्या दो होती है। स्तनियों या मैमल्स में बिना न्यूक्लियस के आरबीसी पाई जाती है, जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में न्यूक्लिएटेड आरबीसी मिलती है, यानी उसके अंदर केंद्रक मौजूद रहता है। इसके अलावा पक्षियों के अंडे भी इसी तरह से रेप्टाइल्स के नज़दीक हैं, उसी तरह के अंडे ये देते हैं, पाँव पर शल्क भी उसी तरह के पाए जाते हैं। एक और विशेषता जो इनकी स्कल में मिलती है वो है इनके आँखों के चारों तरफ एक स्क्लेरोटिक रिंग का पाया जाना। ये आप देख सकते हैं, ये आँख के चारों तरफ पाई जाती है ये रिंग, जो स्तनियों में नहीं पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पक्षी और रेप्टाइल इतने नज़दीक हैं कि उन्हें अलग ग्रुप में रखने में समस्या होती है, ख़ास तौर से उन रेप्टाइल्स को जो कि आर्कियोप्टेरिक्स के अधिक नज़दीक हैं या आर्कियोप्टेरिक्स जैसे लक्षण धारण करते हैं। इस कारण से एक ऐसा क्लासिफिकेशन देने के प्रयास में जिसमें कि उद्भव के क्रम में सही तरह से जीवों को व्यवस्थित किया जा सके, कुछ और योजनाएं साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने दी हैं, और इन्होंने पेन एवीज, एवी फाइलोप्लूमा, एवियली जैसे कुछ और टैक्सन क्रिएट किए हैं ताकि पक्षियों और आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवों को आपस में साथ रखा जा सके। हालांकि जो पुराना क्लासिफिकेशन है वो आज भी मान्य है और हम उसका ही अध्ययन करेंगे, जिसमें कि इस क्लास एवीज को दो सब क्लासेस में बांटा जाता है। एक है आर्कियोर्निथिस, आर्कीज का आशय है प्राचीन, और ऑर्निस शब्द ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका आशय है पक्षी, और नी ऑर्निथिस का मतलब है आधुनिक, ऑर्निस यानी पक्षी। तो इस तरह से हम इस क्लास एवीज को दो सब क्लासेस में बांट सकते हैं, आर्कियोर्निथिस और नी ऑर्निथिस। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा आपने देखा, आर्कियोर्निथिस और नी ऑर्निथिस दो सब क्लासेस हैं। पहली सब क्लास आर्कियोर्निथिस में आर्कियोप्टेरिक्स को वर्गीकृत किया जाता है, और दूसरी सब क्लास में तीन प्रमुख समूह हैं जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आर्कियोर्निथिस के बारे में जानते हैं। ये भी समझना जरूरी होगा कि ये वर्गीकरण क्लास एवीस का किन लक्षणों के आधार पर किया गया है। क्लास एवीस का वर्गीकरण करते समय जो प्रमुख लक्षण सामने रखे जाते हैं वो है, क्या जबड़ों में दांत की उपस्थिति होती है, क्या अग्रपादों पर क्लॉज पाए जाते हैं या पंजे पाए जाते हैं, क्या हड्डियां अभी भी सॉलिड या ठोस हैं, या कि वातिल या न्यूमेटिक हो गई हैं यानी खोखली हो गई हैं, जो कि पक्षियों के उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। इसके अलावा अगला लक्षण जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है वो है, ब्रेस्टबोन में या स्टर्नम में क्या एक चपटी संरचना जिसे कील कहा जाता है वो पाई जाती है, जिसमें कि उड़ान के लिए पेशियां जुड़ती हैं। इसके अलावा टेल में कितनी वर्टिब्री पाई जाती हैं, किस तरह की पाई जाती हैं, ये एक और महत्वपूर्ण वर्गीकीय लक्षण है।
पाइगो स्टाइल जो कि अंतिम पुच्छीय कशेरुकाओं या कॉडल वर्ट्री का बना हुआ होता है वो पाया जाता है अथवा नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण वर्गीकीय लक्षण है। आपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि पक्षियों में ये जो संरचना पाई जाती है स्टर्नम में, ये कील कहलाती है और ये फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दांत कुछ जीवों में, कुछ पक्षियों में पाए जाते हैं और जिनमें दांत पाए जाते हैं उन्हें अलग वर्गक में रखा जाता है। हम जिस आर्कियोर्निथिस की अभी चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रमुख जीव है, उसमें दांत पाए जाते हैं। हड्डियां इस तरह से जब दिखाई देती हैं जिनमें ईयर पॉकेट्स बने हुए होते हैं, ये वातिल या न्यूमेटिक हड्डियाँ कहलाती हैं और ऐसी अस्थियाँ उड़ान के लिए महत्वपूर्ण अडेप्टेशन है। एक और लक्षण पक्षियों में पाया जाता है वो है इनका पेल्विक गर्डल और वर्टिब्रल कॉलम का आपस में समीकरण हो जाने से सिंसेक्रम नाम की कंकालीय संरचना का विकास। इस संरचना में कुछ थोरेसिक, कुछ लंबर और सैक्रल और कॉडल वर्टिब्री जोड़कर एक ठोस संरचना, एक मजबूत दृढ़ संरचना बनाती हैं जो कि उड़ान में सहायक है और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। एक और संरचना जो जिसकी हमने चर्चा की पाइगो स्टाइल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई स्वरूप पक्षियों में देखने को मिलते हैं। ये पाइगो स्टाइल अंतिम पुच्छीय कशेरुकाओं या कॉडल वर्टेब्री के समेकन से बनती है। एक और लक्षण अनेक बार पुस्तकों में क्लास एम्फीबिया से लेकर मैमल्स तक के विभेदन के लिए दिया जाता है, वो है सेंट्रम का प्रकार। सेंट्रम किस तरह का है, या वो हिस्सा वर्टेब्रल कॉलम में जहाँ नोटोकॉर्ड पाई जाती थी वो किस तरह का है, उस आधार पर जीवों में विभेदन का आधार दिया जाता है। पक्षियों में जिस तरह का सेंट्रम पाया जाता है वो हेट्रोसीलस टाइप का सेंट्रम होता है और इसे हम सैडल शेप्ड सेंट्रम भी कह सकते हैं। इसके विषय में आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, परंतु यहाँ ये उतना महत्वपूर्ण वर्गीकीय लक्षण नहीं है इसलिए हम इसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। आप मोटे तौर पर ये जान लें कि पक्षियों में आमतौर पर हेट्रोसीलस सेंट्रम पाया जाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी पक्षियों में ये सेंट्रम पाया जाए। हैंस फ्रेडरिक गेटो ने 1893 में क्लास एवीस को आर्कियोर्निथिस और नी ऑर्निथिस में वर्गीकृत करने की योजना दी। बाद में रोमर से लेकर आज तक के वैज्ञानिक इस योजना के अनुसार पक्षियों को दो सब क्लासेस में वर्गीकृत करते आए हैं और इसमें बांटने का आधार ये था कि क्या इन पक्षियों में पुरातन प्रकार की पूंछ पाई जाती है या मॉडर्न टेल पाई जाती है। आइए जानते हैं कि प्रिमिटिव टेल क्या होती है या रेप्टाइल लाइक टेल क्या होती है और मॉडर्न या बर्ड लाइक टेल क्या होती है। इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि टेल क्या होती है। वास्तव में पोस्ट एनल रीजन या एनस के पीछे के हिस्से को हम टेल कहते हैं और जो वर्टिब्री पूंछ में पाई जाती हैं उन्हें कॉडल वर्टिब्री कहा जाता है। आइए जानते हैं कि प्रिमिटिव टेल क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स में जो टेल दिख रही है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें फेदर्स पत्तियों की तरह से निकले हुए हैं, जबकि एक मॉडर्न बर्ड में जो टेल पाई जाती है उसमें एक पंखे की तरह से ये पंख निकले हुए हैं। तो इस तरह से जो फ्रंट की तरह से टेल पाई जाती है, जैसे कि एक संयुक्त पर्ण में छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती हैं, उस तरह की जो टेल पाई जाती है उसे हम रेप्टाइल लाइक टेल बोलते हैं और पंखे की तरह से जिसमें पंख निकले रहते हैं उसे हम मॉडर्न टेल कहते हैं। आधुनिक पक्षियों में पुच्छीय कशेरुकाओं की संख्या घटती चली गई है और अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं संयुक्त होकर एक त्रिकोण आकृति की संरचना बनाते हैं जिसे पाइगो स्टाइल या रम्प पिलर कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। आइए ये जानते हैं
कि जिस वर्गीकरण में हम बात कर रहे हैं आर्कियोर्निथीज और नी ऑर्निथीज क्लास की, उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है। हम पाते हैं कि आर्कियोर्निथीज में चोंच में दांत पाए जाते हैं, जबकि नी ऑर्निथीज में चोंच में कोई दांत नहीं पाए जाते हैं। आर्कियोर्निथीज में पूंछ में फेदर्स पाए जाते हैं और कॉडल वर्टेब्री की संख्या 13 या उससे अधिक होती है, जबकि नी ऑर्निथीज में कॉडल वर्टेब्री पाइगो स्टाइल के रूप में रूपांतरित हो गई हैं और इनकी संख्या भी 13 से कम होती है। एक और जो महत्वपूर्ण लक्षण जो आर्कियोर्निथीज या आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल के अधिक नज़दीक ले जाता है, वो है इनके अग्रपादों में 3 क्लॉज की उपस्थिति, जबकि पक्षियों में फोर लिम्ब में किसी भी तरह से क्लॉज नहीं पाए जाते हैं और क्लॉ की संरचना बनाने वाली जो अस्थियां हैं वो समेकित हो गई हैं और ह्रासित हो गई हैं, अलग से दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा आर्कियोर्निथीज में पंख पुअरली डेवलप्ड हैं, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कील अनुपस्थित होती है, स्टर्नम में कील नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बोन अभी वातिल नहीं हुई हैं या नॉन न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं, दृढ़ अस्थियां पाई जाती हैं। जबकि नी ऑर्निथीज सब क्लास में पंख विकसित हो चुके हैं, अगर किन्हीं में उड़ान नहीं पाई जाती है तो वो द्वितीयक रूप से उसका ह्रास हुआ है, अन्यथा उड़ान पाई जाती है। और उड़ान के लिए जो पंखों का अटैचमेंट है वो स्टर्नम पर कील नामक संरचना पर लगता है। इनकी बोन्स न्यूमेटिक या वातिल हैं। आर्कियोर्निथीज के सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं और ये एक तरह की कनेक्टिंग लिंक हैं जो रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच का की मिसिंग लिंक्स हमें बताते हैं कि किस तरह से पक्षियों और रेप्टाइल्स के बीच में संपर्क रहा या किस तरह से इनका उद्विकास, रेप्टाइल्स का उद्विकास पक्षियों के रूप में हुआ होगा। इन पक्षियों की जो नी ऑर्निथीज हैं, इनकी उद्विकास थोड़ा पोस्ट जुरैसिक पीरियड में हुआ और इसमें कुछ जातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ जातियां अभी भी पाई जाती हैं। आर्कियोर्निथीज का एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका और नी ऑर्निथीज में आज मॉडर्न बर्ड्स सभी हम यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के लगभग 12 फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं जिनको देखकर इसके लक्षणों के विषय में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया। ये विभिन्न फॉसिल्स हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने पहले उनका स्केच बनाकर क्या स्वरूप रहा होगा वो कल्पना की और अंततः उस आधार पर एक ऐसा स्वरूप तैयार किया जो एक आधुनिक बर्ड के पूर्वज के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कि पंख पाए जा रहे हैं लेकिन पूंछों पर भी इस तरह से पंख पाए जा रहे हैं जो अलग अलग कॉडल वर्टेब्री पर मिलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया है या मिसिंग लिंक क्यों कहा गया है, उसके पीछे कारण ये हैं कि इनमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स, सरीसृप और पक्षियों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जरा जान लें ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सरीसृपों से मिलते जुलते हैं। ये हैं चोंच में दांत का पाया जाना या अग्रपाद में 3 क्लॉज का पाया जाना, स्टर्नम पर कील का अनुपस्थित होना, इसके अलावा टेल लूज होना यानी कॉडल वर्टेब्री आपस में समेकित ना होकर फ्री होना, कॉडल वर्टेब्री की संख्या 13 से अधिक होना और उच्छे कशेरुकाओं का पाइगो स्टाइल के रूप में समेकित ना होना। ये सभी लक्षण रेप्टाइल जैसे लक्षण हैं, यानी सभी रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं या रेप्टाइल्स के करेक्टरिस्टिक लक्षण हैं। दूसरी ओर बर्ड जैसे लक्षण जो आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं वो है इनका क्रेनियम पक्षियों जैसा गोल होता है, जिसमें कि अधिकांश बोन्स आपस में समेकित हो गई हैं। जॉस या जबड़े चोंच के रूप में मॉडिफाई हो गए हैं, फोर लिम्ब्स या अग्रपाद पंखों के रूप में मॉडिफाई हो गए हैं और उड़ान के लिए बॉडी स्ट्रीम लाइन या धारा रेखित हो गई है। इसके अलावा इनके शरीर में पंख पाए जाते हैं और फ्लाइट यानी जीव में उड़ान भी पाई जाती है। ये सभी लक्षण पक्षियों जैसे लक्षण हैं। आपने देखा कि आर्कियोप्टेरिक्स को
कुछ सरीसृपों जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, और सरीसृपों की जो पूंछ है वो 13 से अधिक कॉडल वर्टेब्री की बनी हुई होती है। जबकि जब हम मॉडर्न बर्ड्स में देखते हैं, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम कशेरुकाएँ पाइगो स्टाइल के रूप में रूपांतरित हो गई हैं और कॉडल वर्टेब्री क्या या पुच्छी कशेरुकाओं का संख्या की संख्या घट गई है। तो इस तरह से क्लास एवीज को जिस सब क्लास है नी और ऑर्निथिस सब क्लास या मॉडर्न बर्ड्स हमने अभी देखा, हम कह सकते हैं अगली सब क्लास नी ऑर्निथिस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पक्षियों का लक्षण है और इसका इस समूह के क्या लक्षण है, ये हम इस समूह के क्या लक्षण है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो है इनमें अग्रपाद या जिस जो कि पंख के रूप में रूपांतरित हो चुका है उसमें क्लॉ नहीं पाए जाते हैं, पंजे नहीं पाए जाते हैं। जबकि आपने देखा पैलियोऑर्निथिस में क्लॉस पंखों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पंख विकसित हो चुके हैं उड़ान के लिए, उड़ान के लिए पेशियां चाहिए, इसलिए स्टर्नम में जिस जगह पर ये लगती हैं वो भाग विकसित हो गया है और उसे कील कहा जाता है। उड़ान के लिए एक और अनुकूलन पाया जाता है वो है अस्थियां वातिल हो गई हैं या न्यूमेटिक हो गई हैं और कॉडल वर्टिब्री पाइगो स्टाइल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। कॉडल वर्टिब्री की संख्या घटकर 13 से कम रह गई है। तो ये प्रमुख लक्षण है जिसके आधार पर हम आर्कियोऑर्निथिस और नी ऑर्निथिस में अंतर करते हैं। पहला तो ये कि पुच्छ आधुनिक है या नई है, नई प्रकार की है, और उसका आधार यह है कि पाइगो स्टाइल कैसी है और उसमें कॉडल वर्टिब्री की संख्या कितनी है। 13 से कम है तो नी ऑर्निथिस, 13 से अधिक है तो पैलियोऑर्निथिस। यहाँ एक और लक्षण पाया जाता है कि चोंच में अब दांत नहीं पाए जाते हैं और ये पक्षी न्यू ऑर्निथिस के पोस्ट जुरैसिक टाइम में, जुरैसिक काल के बाद के हैं, इसीलिए इन्हें मॉडर्न बर्ड्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सब क्लास न्यू ऑर्निथिस को आगे किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ जे जेड यंग की पुस्तक में दिया गया एक वर्गीकरण यहाँ दिखाया गया है। हालांकि ये वर्गीकरण मान्य नहीं है, लेकिन इसे मैं यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी भारतीय वेबसाइट्स पर और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस में इस क्लासिफिकेशन का वर्णन किया गया है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं कर दिया जाए कि इसमें क्या कमियां हैं, तब तक जो दर्शक मेरा वीडियो देखेंगे और दूसरे वीडियो देखेंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि पक्षियों के अनेक वर्गीकरण में सब क्लास नी ऑर्निथिस को 4 सुपर ऑर्डर्स में बांटा दिखाया गया है, जिसमें ओडोन्टोग्नेथी, पैलियोग्नेथी, नियोग्नेथी तो मान्य क्लासेस हैं, लेकिन एक इम्पेनी के रूप में जिसमें कि पेंगुइन्स को वर्गीकृत किया है वो भी यहाँ दिखाया गया है। ये वर्गीकरण आज किसी भी वैज्ञानिक द्वारा मान्य नहीं है। क्लास नी ऑर्निथिस को ओडोन्टोग्नेथी, पैलियोग्नेथी और नियोग्नेथी में वर्गीकृत किया गया है। ये तीनों सुपर ऑर्डर्स के रूप में पहचाने गए हैं सब क्लास नी ऑर्निथिस के अंतर्गत। आइए पहले ये जानते हैं कि इन शब्दों के आशय क्या हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन सभी सुपर ऑर्डर्स के पीछे नेथी सफिक्स कॉमन है। यहाँ ओडोन्टोस से आशय है दांत और ग्नेथोस से आशय है जॉन्स, यानी ओडोन्टोग्नेथी सुपर ऑर्डर में वो जीव रखे गए हैं जिनके जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। पैलियोग्नेथी में वो पक्षी रखे गए हैं जिनमें प्रिमिटिव या पुरातन प्रकार का जबड़ा मिलता है और नियोग्नेथी में वो पक्षी रखे गए हैं जिनमें आधुनिक प्रकार का जबड़ा या जॉ पाया जाता है। आइए एक एक करके इन तीनों सुपर ऑर्डर्स के लक्षण जानते हैं और इनमें कौन से जीव वर्गीकृत किए गए हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला सुपर ऑर्डर है ओडोन्टोग्नेथी। इस सुपर ऑर्डर को हेस्पर ऑर्निस जैसे जीवों को वर्गीकृत करने के लिए क्रिएट किया गया था। इसके फॉसिल्स को देखकर लगता है कि ये मराइन जंतु है, यानी समुद्री जीव है।
इसके फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका और रूस से प्राप्त हुए हैं। ये सभी फॉसिल्स लेट क्रिटेशियस मैराइन लाइमस्टोन या मैराइन शेल से प्राप्त हुए हैं। इसकी लगभग 9 जातियां जीवाश्मों के रूप में पहचानी गई हैं, जिनमें से 8 नॉर्थ अमेरिका में और 1 रशिया में पाई गई। हेस्परऑर्निस लगभग 1.5 मीटर लंबी चिड़िया थी। इसके अलावा इस ओडोन्टोग्नाथी सुपर ऑर्डर के कुछ पक्षी इससे छोटे भी आकार में हुआ करते थे। इनमें जो विशेष बात पाई जाती थी वो है इनके चोंच या जबड़ों में दांतों की उपस्थिति, और ये दांत अलग अलग खांचों पर उपस्थित ना होकर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या खांच के अंदर पाए जाते थे। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आर्कियोप्टेरिक्स में भी दांत मिलते हैं और ओडोन्टोग्नाथी में भी दांत मिलते हैं, तो ये अलग अलग जगह क्यों वर्गीकृत किए गए हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए हैं जो यहाँ ओडोन्टोग्नाथी में नहीं पाए जाते हैं। आप याद करें, पंखों में या अग्रपादों में क्लॉज की उपस्थिति, कॉडल वर्टिब्री का 13 से अधिक होना, पाइको स्टाइल का नहीं पाया जाना, जबकि ओडोन्टोग्नाथी में दांत पाए जा रहे हैं पर कॉडल वर्टिब्री की संख्या 13 से कम है। साथ ही पाइको स्टाइल भी पाई जाती है और पंखों में किसी तरह के क्लॉज या पंजे नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आर्कियोप्टेरिक से दांत होने के मामले में तो सिमिलर हैं, पर दांत किस तरह से चोंच में लगे हुए हैं, पाइगोस्टाइल है या नहीं, कॉडल वर्टिब्रे की संख्या कितनी है और क्लॉज है या नहीं, इस आधार पर ये आर्कियोप्टेरिक से बहुत भिन्न है। ये जिस तरह से आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल और पक्षियों के बीच की कड़ियाँ हैं, उसी तरह से हेस्परऑर्निस जैसे जीव आर्कियोप्टेरिक्स और बर्ड्स मॉडर्न बर्ड्स के बीच की कड़ियाँ हैं। इनमें अग्रपाद विंग्स के रूप में थे, लेकिन बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, ह्रासित हो चुके हैं, क्योंकि ये उड़ने का कार्य नहीं करते थे, और पश्चपाद पैडल या पतवार की तरह से पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। शुरू में जो फॉसिल्स प्राप्त हुए उनके आधार पर इनका चित्रण एक खड़ी चिड़िया के रूप में, जो स्टॉर्क की तरह से खड़ी हुई चिड़िया है, उस रूप में अनेक पुस्तकों में किया गया है, पर आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत संभव है कि इसमें उस तरह से खड़े रहने या गमन की क्षमता नहीं पाई जाती हो, और जब ये ज़मीन पर आते भी होंगे तो ठीक उसी तरह से चलते होंगे जिस तरह की सील या वॉलरस चलते हैं, जो अपने पेट के बल अपने को घसीटते हैं। इसके अलावा इस हेस्परऑर्निस या ओडोन्टोग्नाथी में जो लक्षण पाए जाते हैं वो है इनकी पूंछ बहुत छोटी होती है, पाइगो स्टाइल जो अंतिम पुच्छे कशेरुकाएँ हैं वो हल्की आकृति के होते हैं, और इसमें जबड़ों के बीच में एक इंट्रा मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन पाया जाता है जो कि आर्कियोप्टेरिक्स में नहीं दिखाई देता है। और ये सभी पक्षी जो हेस्परऑर्निस के साथ के पक्षी थे वो अब से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले, जो एक बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ जिसे क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन या केटी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, उस समय लुप्त हो गए, और दुर्भाग्यवश आज कोई भी ओडोन्टोग्नाथी का प्रतिनिधि इस समय धरती पर मौजूद नहीं है। इस हेस्परऑर्निस के अलावा इस ओडोन्टोग्नाथी के जो जीव या फॉसिल समय मिले हैं वो हैं पैरा हेस्परऑर्निस कैनाडेगा, कॉनियॉर्निस, मैप्टॉर्निस। इस अध्याय में, इस वीडियो में हम इससे अधिक हेस्परऑर्निथी फॉर्मिस और इसकी फैमिलीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आइए अगले सुपर ऑर्डर के बारे में जानते हैं, जो है पैलियोग्नाथी, या जिसका आशय है प्रिमिटिव प्रकार के जौ वाले पक्षी। क्योंकि ये सभी जमीन में भागते हैं, या इनके अधिकांश जीव जमीन में भागते हैं और उड़ान इनमें ह्रासित हो गई है, इसलिए इन्हें रनिंग बर्ड्स भी कहा जाता है, और नियोग्नाथी के बर्ड्स को फ्लाइंग बर्ड्स कहा जाता है। आइए इसके लक्षण जानते हैं पैलियोग्नाथी के। ये प्रिमिटिव पैलेट या जॉ मिलता है। अभी इनके पंख ह्रासित हो गए हैं द्वितीयक रूप से, यानी इनके पूर्वज
उड़ान वाले रहे होंगे, लेकिन इनमें द्वितीयक रूप से उड़ान खत्म हो गई है। चूंकि इनमें उड़ान की आवश्यकता नहीं है, तो स्टर्नम में कील या तो अनुपस्थित है या रिड्यूस हो गया है। लेकिन इसमें एक वर्ग है छोटा सा, जो जिसमें अभी भी उड़ने वाले कुछ जीव हैं जिन्हें टिनामूस कहा जाता है, उनमें वीक फ्लाइट मिलती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इनमें उपस्थित पाए जाते हैं। वैसे पक्षियों में ट्रू यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें अनडिफ्रेंशिएटेड क्लोएका की आउट पॉकेटिंग से यूरिनरी ब्लैडर जैसे संरचना पाई जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि उड़ान के लिए शरीर का वजन कम करना जरूरी है, इसलिए पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं मिलता है। पर चूंकि ये पैलियोग्नेथी के पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित नहीं है, इसलिए इनमें इस जैसी संरचना पाई जाती है। क्रैकक्राफ्ट ने 5 ऐसे लक्षणों को पहचाना जो कि प्रिमिटिव जॉ के लक्षण हैं या रेप्टाइल जैसे जॉ के लक्षण हैं। हम इसकी बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मोटे रूप से आप ये ध्यान रख लें कि अगर जॉ में कुछ प्रिमिटिव लक्षण पाए जाते हैं तो हम उन्हें पैलियोग्नेथी में वर्गीकृत करते हैं, और ये लक्षण कुछ रेप्टाइल्स के अधिक नज़दीक हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहते हैं, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि पक्षी और कुछ नहीं है, डायनासोर्स ही हैं एक तरह के, तो इनमें रेप्टाइल जैसा जॉ पाया जाता है। इस पैलियोग्नेथी ग्रुप में जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो हैं टिनामीफॉर्मिस, जिनमें टिनामूस रखते हैं हम। इसकी लगभग 47 जातियाँ ज्ञात हैं, ये पाई जाती हैं, अभी भी दुनिया से विलुप्त नहीं हुई हैं। फिर रियास को रीही फॉर्मिस में रखा जाता है, जिसकी 2 जातियाँ हैं। ऑस्ट्रिचेस के विषय में या शुतुरमुर्ग के विषय में आप ठीक से जानते होंगे, और एक कैसोवेरीज हैं और एमूज हैं, इन्हें एक ऑर्डर में रखा जाता है। इसी तरह से एलिफेंट बर्ड जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, इन्हें अगले ऑर्डर एपायरोऑर्निथिस में रखा जाता है, और डायनोर्निथिमॉर्फिस में किवीस रखे जाते हैं। आइए जरा जानते हैं कि दुनिया में इन जीवों का, इन पक्षियों का वितरण कहाँ कहाँ है। आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि न्यूजीलैंड द्वीप पर किवीस और एक्सटिंक्ट मोवास, किवी आज भी पाए जाते हैं, इनकी 5 जातियां पाई जाती हैं दुनिया में, और मोवा जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये न्यूजीलैंड से प्राप्त होते हैं या न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एम्यूज मिलते हैं, हो सकता है आपने एम्यूज के चित्र देखे हों या किसी संग्रहालय में या जू में इन्हें भी देखा हो। इसके अलावा न्यू गिनिया में कैसोवेरीज पाई जाती हैं, जिनकी 3 स्पीशीज ज्ञात हैं। मेडागास्कर के विषय में आपने अपने इवोल्यूशन के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इसमें एलिफेंट बर्ड्स पाई गई थी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, अब दुनिया में नहीं पाई जाती हैं। अफ्रीका में ऑस्ट्रिच की 1 जाति बताई जाती है, हालांकि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ऑस्ट्रिच की जो 1 जाति अफ्रीकन हॉर्न या अफ्रीका के इस नुकीले हिस्से में जो पाया जाता है, उसमें जो स्पीशीज़ है वो सोमालिया की स्पीशीज़ एक अलग ऑस्ट्रिच की स्पीशीज़ है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिच की कुल 2 स्पीशीज़ दुनिया में अब अगर हम नए वर्गीकरण के अनुसार चलें तो पाई जाती हैं आज भी। इसके अलावा हम अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर टिनामूस की 47 स्पीशीज़ हैं, और इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे सुपर ऑर्डर में ये टिनामूस ही ऐसे हैं जिनमें की फ्लाइट पाई जाती है, बाकी सभी में उड़ान अनुपस्थित है। और अंततः साउथ अमेरिका में ही दक्षिणी भागों में रियास पाए जाते हैं, जिनको कि रीफॉर्मिस ऑर्डर में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह से बहुत कम संख्या में कुछ ऐसी पक्षी जिनके कि प्रिमिटिव जॉज हैं, जिनको कि हम पैलियोग्नेथी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। आइए अगला सुपर ऑर्डर देखते हैं, इसका नाम है नियोग्नेथी, और इन सभी को फ्लाइंग बर्ड्स भी कहा जाता है, या कैरिनेटी नाम भी आपको लिटरेचर में इनके विषय में पढ़ने को मिलेगा। इस इनके पैलेट में या जॉ में डिफरेंट तरह का या भिन्न प्रकार का जो बोन्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। नियोग्नेथी को कैरिनेटी भी कहा जाता है,
इनमें अधिकांश में उड़ान पाई जाती है, इन्हें कैरिनिटी भी कहा जाता है। इनके जॉस का स्ट्रक्चर या संरचना पैलियोग्नेथी से बहुत भिन्न है, इसलिए इन्हें नए प्रकार के जॉस या नियोग्नेथी कहा जाता है। इनमें चूंकि उड़ान पाई जाती है तो कील या स्टर्नम विकसित होता है। इनमें बहुत सारे पक्षी गाने या वोकलाइजेशन के लिए अभ्यस्त हैं या अनुकूलित हैं। इनमें सिरिंग्स भी पाया जाता है। बहुत सारे वर्गीकरण की स्कीम्स में आप देखेंगे कि सिरिंग्स की प्रेजेंस एब्सेंस पैलियोग्नेथी नियोग्नेथी के साथ दी हुई है, लेकिन सिरिंग्स फंक्शनल है या नहीं है, मूल फर्क ये है। बाकी पैलियोग्नेथी में भी सिरिंग्स पाया जाता है, हालांकि बहुत एलेबोरेट सॉन्ग या एक मधुर गाने के रूप में वो गायन नहीं कर पाते हैं, परंतु पेसेरिफॉर्मिस जैसे या कुछ और गण हैं नियोग्नेथी के जिनमें कि सॉन्ग पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि पाइगो स्टाइल एक लक्षण है जो पुच्छी कशेरुकाओं के समेकन से बनता है, वो इसमें पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है जो कि फ्लाइट के लिए एक अडेप्टेशन है, और बाकी सभी मॉडर्न बर्ड्स को इस नियोग्नेथी में वर्गीकृत किया जाता है। नियोग्नेथी के चूंकि अधिकांश 10,000 में से जो अधिकांश पक्षी हैं वो इसी समूह से आते हैं या इसी सुपर ऑर्डर से आते हैं, तो इनकी संख्या बहुत अधिक है, और इसके आधार पर इन्हें फर्दर किसी योजना में 23 तो किसी योजना में 27 ऑर्डर में वर्गीकृत किया गया है। इनका विस्तार से वर्णन या ऑर्डर सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी के ऑर्डर्स को हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।